ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीते दिनों महिला को बंधक बनाकर महिला के एटीएम से 1,07,000 व सोने की अंगूठी और एटीएम और मोबाइल फोन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश आए हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाश पुलिस की टीम को देख कर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश बंद गली में घुस गए और अपने आप को घिरा हुआ देखकर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में 3 बदमाश घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दौड़कर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से महिला से लूट की गई सोने की अंगूठी, एटीएम कार्ड से निकल गए 1,07,000, 3 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक कचोरी की बरामद। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों का पुराना लंबा आपराधिक इतिहास भी है। 7 अक्टूबर को थाना विश्रक क्षेत्र में श्रीमती नूतन शर्मा बादी मुकदमा अपराध संख्या 831/23 द्वारा धारा 394, 354 इत्यादि के अंतर्गत 4 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बंधक बनाकर के लूटपाट करने के आशय से अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सोने की अंगूठी, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन इत्यादि ले जाने की बात संज्ञान में आई थी। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 11 अक्टूबर को दौराने चेकिंग मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वह संदिग्ध लोग किया कार से आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा संदिग्ध किया कार को रोकने का प्रयास किया गया। उप कार सवार तेजी से कार को लेकर जलपुरा बॉर्डर की तरफ भागने का प्रयास करने लगे, जिनका पीछा कर मोरफेस सोसाइटी के पास रोकने का प्रयास किया गया तथा कार सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किए गए, जिसमें बिट्टू कसाना, अखिल भाटी और लव कुमार के पैर में गोली लगी, जिनको जीवन रक्षा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। बदमाशों के विरुद्ध लूट, हत्या, डकैती इत्यादि के विभिन्न जनपदों में अभियोग पंजीकृत हैं। इन अभियुक्तों के पास से घटना में लूटी हुई अंगूठी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, एटीएम कार्ड तथा एटीएम कार्ड से निकाले गए 1,07,000 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त किया सोनेट कार, जो कि मयूर विहार दिल्ली से चोरी की गई थी, साथ ही 3 अवैध नाजायज तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस और 8 खोखा बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को प्रोत्साहन हेतु DCP सेंट्रल महोदय द्वारा 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।